फैशन आर्मी, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक हो गया आप सभी लोगों का हमारी एक और नई गेम प्ले वीडियो में। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग दोबारा खेलने जा रहे हैं रशियन का ड्राइविंग UAZ-100। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि एक औरत की बकरी ढूंढ गई थी और अलेक्सी के कहने पर मैंने उस औरत की बकरी ढूंढ कर दी थी। और मैंने आप लोगों से कहा था कि अगली वीडियो यानी कि इस वीडियो में अपनी कार अपग्रेड करूंगा, लेकिन गाइस अभी मैं अपनी UAZ-100 अपग्रेड नहीं कर सकता, क्योंकि गाइस अपग्रेड करने के लिए हम लोगों को गाड़ी की रेटिंग बढ़ानी पड़ेगी और रेटिंग बढ़ेगी रेस करने से। तो मैं इस वीडियो को अपलोड करने के बाद ऑफलाइन इस गेम को खेलूंगा, तो अगली वीडियो या उसके बाद आने वाली वीडियो में करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो गाइस मैं आ गया हूँ अलेक्सी के पास, चलकर मिशन स्टार्ट करता हूँ। तो चलो चलते हैं। अरे यार इसको फिर से टॉयलेट आने लगा, पहले टॉयलेट करवाता हो और फिर मिशन स्टार्ट करेंगे। और ये हो गया भाई, चलो मिशन स्टार्ट करते हैं। अरे यार ये क्या टाइमिंग दिखा रहा है, 9 बजे मिशन स्टार्ट होगा, जब तक टाइम पास करते हैं और क्या ही कर सकते हैं। टाइम देखो शोभा शोभा का है, क्या ही मस्त मौसम लग रहा है। अभी 7 बजने वाले हैं और 2 घंटे वेट करना होगा। तो गाइस 9 बज चुके हैं, अभी चलकर मिशन स्टार्ट करता हूँ। और ये अपना मिशन स्टार्ट हो गया है, लेकिन यार गाइस रात का मिशन है ये। तो चलो गाइस अलेक्सी ने हमको एक लोकेशन सेंड की है, हम लोगों को वहीं पे जाना है किसी केस के सिलसिले में। पहले चेक कर लेता हूँ जाना कहाँ है। तो ये तो पास ही है, ज्यादा दूर भी नहीं है, मैं जल्दी ही पहुँच जाऊँगा। गाड़ी की लाइटें ऑन कर देता हूँ और साथ ही सीट बेल्ट भी लगा लेता हूँ। तो चलो यार गाइस अभी प्रॉपर चलने को तैयार हूँ मैं। भगते हैं अपनी UAZ और चलते हैं अलेक्सी के पास। और मैं अपना कैमरा एंगल चेंज करता हूँ, क्योंकि मुझको यही कैमरा एंगल अच्छा लगता है, रियल वाली फील आती है। आप लोग कौन सा कैमरा एंगल में प्ले करते हो इस गेम को कमेंट करके बताना। और ये देखो बारिश भी स्टार्ट हो गई है, बारिश अच्छी तो लगती है लेकिन यार गेम थोड़ी सी लेट करने लगती है। आप लोगों के पास भी लेट होती है क्या, कमेंट करके बताना। और अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लो यार गाइस, वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, इसीलिए गाइस अपने भाई को सपोर्ट करो, एक दिन हमारी भी फैशन आर्मी बहुत बड़ी आर्मी होगी। मुझे पता है आप लोग जरूर सपोर्ट करोगे अपने भाई को एक बहुत बड़ी आर्मी बनाने में। तो ये वीडियो पूरा देखना और अगर हो सके तो अपने किसी दोस्त को भी शेयर कर देना। अगर आप लोग ये AI वॉइस ओवर यूज करना चाहते हो तो पावर डायरेक्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड करे और यूज करे। तू अभी बातें कम करते हैं और फटाफट अलेक्सी के पास पहुंचते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों के पास पहुंच सके। और गाइस रात के टाइम पर ये गेम और भी ज्यादा रियलिस्टिक लगती है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि हम लोग रियल में ड्राइव कर रहे हैं। ऊपर से ये बारिश और भी ज्यादा रियलिस्टिक फील दे रही है। और यहाँ से हम लोग चलते हैं जंगल में, किसी ने जंगल में डांगल कर दिया है। तो अभी हम लोग चलते देखते हैं क्या केस है, अलेक्सी ने हम लोगों को क्यों बुलाया है। अभी यहाँ से खतरनाक अफ्लोडिंग करते हुए चलते हैं। देखो गाइस ये कैमरा एंगल में तो और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि हम लोग रियल में जंगल में ड्राइव कर रहे हैं। आप लोग ये ऑफ्रोडिंग एंजॉय करो, मैं मिलता हूँ आगे। गाइस मैं पहुंच चुका हूँ लोकेशन पर और यहाँ पर तो पुलिस वाले और एम्बुलेंस भी आए हैं। मैं अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर देता हूँ। तो चलो यार चल के देखते हैं मामला क्या है। ये रहा अपना दोस्त अलेक्सी। ओ भाई
ये देखो यहाँ पर किसी को बाहर के दफन कर दिया। इसके हाथ में पक्षी जैसी क्या चीज है ये? और ये कोबरा यहाँ इतनी बारिश में बैठ के क्यों कर रहा है? ये तो बहुत ही क्रीपी है भाई, किसी को मारा और दफना दिया और वो भी उसके हाथ में कुछ रख कर। तू चलो अलेक्सी से बात करते हैं। तो गाइस मैंने अभी अलेक्सी से बात कर ली है और हम लोगों को कुछ लोग ढूंढना है ये जानने के लिए कि इस क्राइम के पीछे कौन है। तू ये रहा पहला क्लो और मैंने इसे उठा लिया। तो गाइस अगला क्लो ढूंढने के लिए इसके घर को जाना पड़ेगा, लेकिन इसके घर में भी अस्किलो ने आग लगा दी है। हम लोगों को उसके जलने से पहले जाकर क्लो ढूंढना होगा। पहले चेक कर लेता हूँ जाना कहाँ है। ये तो पास ही है, नदी पार करके जाना होगा। पहले मैं ब्रिज के पास मार्क लगा लेता हूँ। तो चलो गाइस गाड़ी की लाइट ऑन करके यहाँ से चलता हूँ। ये किया लाइट्स ऑन और ये निकला गाड़ी लेके। और गाइस ऊपर जो साइड में टाइमिंग आ रही है वो कंप्लीट होने से पहले हम लोगों को जाना पड़ेगा, नहीं तो ये मिशन फेल हो जाएगा और अपनी इतनी मेहनत खराब हो जाएगी। तो अभी मैं बहुत तेज भाग आने वाला हूँ अपनी UAZ हंटर। सीधे मिलता हूँ आप लोगों से लोकेशन पर। तो गाइस मैं अभी पहुंच चुका हूँ लोकेशन पर और यहाँ पर मुझको एक क्लू ढूंढना है और यही है वो क्लू, लेकिन मैं इसको उठा नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं क्यों मैं इसको कैसे आउट होगा भाई, क्राउच होने से हो जाएगा क्या? और ये फाइनली ऑप्शन आ गया गाइस, मैंने इसको आखिरकार उठा ही लिया। ये काव यहाँ पर भी काव काव कर रहा है और अभी अलेक्सी घर जाने वाला है। तू चलो चलकर इसको घर की धूप कर देते हैं। ये देखो ये रहा इसका घर। गाइस ये देखो यहाँ पर एक झरना है और इसकी आवाज क्या आ रही है, शायद आप लोगों को इसका साउंड नहीं आ रहा। मैं स्क्रिप्ट को एक और बार दिखाता हूँ। गाइस अब तो आप लोगों को साउंड आया ही होगा। और ये देखो बिजली गरजने की आवाज भी आ रही है और वो भी बिल्कुल रियलिस्टिक। तो अभी मैं अपनी UAZ इस खतरनाक रास्ते से भगाते हुए चलता हूँ। गाइस ये रास्ता बहुत डेंजर है और ऊपर से रात का टाइम है तो इसलिए और ज्यादा मुश्किल है। बारिश भी हो रही है तो थोड़ा देख कर चलाना पड़ेगा। और अभी 4 किलोमीटर बचा है, वो भी जल्दी ही कवर कर लेंगी। और ये देखो गाइस बातें करते करते हम लॉग पूल के पास भी पहुँच गयी। ये पूल बहुत पुराना और कामजोर हो गया है, इस पूल को आप कोई भी यूज नहीं करता है, हम लॉग ही कभी कभी यूज कर लेते हैं। पता चला कि हम लॉग जा रहे हैं और पूल डूब के नीचे गिर जाए, झुक था यार गाइस, ऐसे तो नहीं होगा। और ये देखो यार गाइस सामने एक और ब्रिज आ गया है, फटाफट इसको भी पार कर लेता हूँ, देखता हूँ और कितनी दूर है। ये देखो यहाँ है अलेक्सी का घर, हम लॉग ज्यादा दूर नहीं है, बस पास नहीं है, जल्दी ही पहुँच जाएंगे। तो गाइस फाइनली हम लॉग पहुँच चुके हैं लोकेशन पर और यहाँ से दोदासा और अंदर जाना है। ये देखो यही पार्क करना है अपनी गाड़ी, फटाफट से पार्क करके मिशन कंप्लीट करता हूँ। गाइस फाइनली अपना मिशन कंप्लीट हो गया और मुझको 20,000 रशियन रूपी मिल गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉग ड्राइविंग लाइसेंस बनाएंगे ताकि उससे थोड़ा ज्यादा अर्न कर सके और अपनी गाड़ी अपग्रेड कर सके। वीडियो यही तक थी, वीडियो को एंड करने का वक्त आ गया है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, अगर ऐसी लगी तो लाइक कर देना और चैनल पर नई हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और पुराने हो तो लाइक कर देना। हम लोग मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।